नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका चैनल पे। इस वीडियो में ये वीडियो एएसएमसी का पार्ट टू है जो कि कंटिन्यूएशन है। मैंने पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है तो आप उसको देख सकते हैं, या तो ये आई बटन पे आ जाएगा नहीं तो आप उसको जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो एएसएमसी का पार्ट वन ना रखा, ये पार्ट टू है और यहाँ पे हम मेडिकल फिटनेस की एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं क्योंकि मेडिकल फिटनेस एक बहुत बड़ा टॉपिक था। वैसे मैंने कहा था कि मैं सेकेंड वीडियो में मेडिकल फिटनेस के साथ साथ स्पोर्ट्स, पीटी, एनसीसी और अदर टाइप्स ऑफ अलाउंसेस की बात करने वाला हूँ, पर जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मेडिकल क्राइटेरिया बहुत बड़ा है और उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि एक अलग सी वीडियोस के लिए रिलीज करते हैं और बाकी सारे वीडियोस बस कुछ दिन के अंदर एक अलग चीज़ को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब काउंसलिंग शुरू होने वाली है और लोगों को मतलब अब देखना होगा कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अभी से लोग सोच भी रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि लेट्स फिनिश इट अप एज फास्ट एज पॉसिबल, तो मैं बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो आप बस देखते रहिए, मैं मतलब कुछ दिनों के अंदर एएसएमसी को कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम मेडिकल क्राइटेरिया की बात करते हैं, बट बस एक मिनट में आपको बताना चाहूँगा कि मैं इतना टाइम क्यों लग गया मुझे बाकी की वीडियोज़ आने में। तो दोस्तों हुआ यूँ कि आपको पता होगा कि मैं अभी रिसेंटली गाँव जाने से पहले अपने मामा जी के यहाँ गया था, उससे पहले भी कुछ और काम में लग गया था, तो मतलब काफ़ी बिजी चल रहा था शेड्यूल उस टाइम तक। और अभी मैं ऑलमोस्ट कब 21 तारीख को मैं वापस आया हूँ अपने गाँव से, आज जो भी डेट है आज 25 तारीख है। तो मतलब वही, तो ये बस एक हल्की सी वो भी किया, मुझे लगा कि ठीक है टाइम ज़्यादा मैंने स्पेंड कर दिया, बट अब से वीडियोस कंटिन्यूसली आएंगी। मैं अपने घर पे वापस आ चुका हूँ तो अब से आप देखोगे वीडियोस जल्दी आएंगे और मैं एएफएमसी की सीरीज़ को सबसे पहले कंप्लीट करूँगा बिकॉज आई नो कि अब लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद मैं आगे बताऊँ कि मैंने अपने लिए कौन सा कॉलेज चूज़ किया एंड फर्दर वीडियोज़ और आगे की वीडियोज़ में कंटिन्यू कर दूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इतना समय रुकने के लिए और मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहूँगा देर आने के लिए। तो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि ये मेडिकल क्राइटेरिया जो है ये किस लेवल तक इम्पॉर्टेंट है एएफएमसी के एडमिशन के लिए। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एएफएमसी मेडिकली फिट या अनफिट बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस पे फॉलो करता है और अगर आप मेडिकली अनफिट हो तो दे वुड नॉट यू नो माइंड रिमूविंग योर, वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उसको। तो अगर हम पहले बात करें मेडिकल क्राइटेरिया की, क्या क्राइटेरिया है, तो ये पहले तो मैं बता दूँ कि ये मतलब मैंने पहले इसी को क्यों चूज़ किया, ये है कि अगर आपको चाहिए आप इस वीडियो को देख लो और उसके बाद आप देखो कि आपको बाकी के आगे वीडियोस देखने या नहीं देखने, क्योंकि अभी आपने मान लिया मैं आपको आखिरी में मेडिकल क्राइटेरिया बताता हूँ तो पहले आप पूरी वीडियोस देख लेते, चार पांच वीडियो में रिलीज करता, फिर आखिरी में आपको पता चलता कि यार मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ मेडिकली। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले मेडिकल वाला पार्ट बता दूँ ताकि आप समझ जाओ कि आप फिट हो या नहीं, उसके बाद ही आप आगे की वीडियोस देखना अगर आपको मन करेगा। तो मेडिकल क्राइटेरिया ये है, मैं आपको बताता हूँ, एक मेडिकल बोर्ड होती है इनके पास, ठीक है, जो आपको बताती है कि आप मेडिकली फिट हो या अनफिट। तो एक दो राउंड में बेसिकली ये लोग करते हैं इसको। फर्स्ट राउंड में आप जाओगे और अगर आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो एट द अमाउंट ऑफ ₹40 आप उसको वापस से एक बार चार्ज कर सकते हो, जाके बोल सकते हो कि आप एक बार वापस कर दीजिए। तो आपको एक सेकंड राउंड के उसके लिए भेजा जाता है जहाँ पे वो कुछ हायर स्पेसिफिकेशंस कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि आप मेडिकली फिट हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है कि आप दो आपको ₹40 के उस पर आप चैलेंज करके मेडिकल बोर्ड के डिसीजन को एक बार फिर आप कोशिश कर सकते हो कि आप सेलेक्ट हो जाओ, ये होता है। अब अगर और उसी दिन या तो उसी दिन या अगले ही दिन आपकी वो टेस्ट हो जाती है और आपको रहना पड़ता है, आप जा नहीं सकते छोड़ के, वरना आपको मतलब सीधा आप हो जाओगे। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया की तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्राइटेरिया कौन सी है उसके लिए मैं आपके सामने एक लिस्ट पेपर जैसा आ जाएगा वीडियो पे, आप देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। क्यों मतलब मैं क्यों नहीं पढ़ रहा उसको, क्योंकि पहले तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, दूसरा ये कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जहाँ पे आपको बता दो मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल होगा, मेडिकल टर्म्स मैं सही से प्रोनाउंस कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, आप समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सोचा कि मैं पूरा लिस्ट डाल देता हूँ, उसको पढ़िएगा आराम से बैठ के और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, और ऐसा हो तो आप चाहें तो अपना पर्सनली भी जाके चेक करवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो सीधा एएफएमसी में जाइए, आपको वहीं भी बता देंगे कि आप फिट हो या नहीं, तो इट्स योर चॉइस। तो ये इसलिए मैं आपके सामने लिस्ट डाल देता हूँ, पढ़ लीजिएगा उसको। अगर अब मैं हाइट के क्राइटेरिया की बात करूँ कि हाइट कितनी अलाउड होती है कहाँ तक नहीं, तो बॉयज़ के लिए हाइट जो मिनिमम होनी चाहिए वो है 157 सेंटीमीटर्स, बट वो जो हमारे जो वो स्टूडेंट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आर कंट्री यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आते हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि हिली एरिया से आते हैं, जो हिल वाले एरिया हैं, उनको 5 सेंटीमीटर कंसेशन यानी 152 सेंटीमीटर पे भी उनकी एडमिशन हो जाती है। रीज़न बीइंग कि हम सभी जानते हैं कि हिली एरिया स्पेशली, और हम जानते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारे कंट्री का ज़्यादातर हिली एरिया है, तो वहाँ पे बच्चों की हाइट मतलब नेचुरली थोड़ी कम होती है लोगों की हाइट, तो इसलिए उनको 5 सेंटीमीटर का कंसेशन दिया जाता है। उसके अलावा प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर के इसको वो लोग कंसिडर करते हैं, आपको उसके अंदर भी ले लिया जाएगा। व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स मैं आपको बताऊँ 152 सेंटीमीटर पे गर्ल्स की मिनिमम हाइट है, 147 सेंटीमीटर इज फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरियाज, और प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर का कंसेशन यहाँ पे भी काम करता है। और मतलब प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर का जो कंसेशन है सिर्फ 18 ईयर्स के बिलो स्टूडेंट्स के लिए,
अगर आप 18 ईयर्स या उसके ऊपर हो तो आपको ये नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रिक्टली 152 सेंटीमीटर या उससे बड़ा होना पड़ेगा गर्ल्स में, और बॉयज में 157 सेंटीमीटर के ऊपर होना पड़ेगा। ये प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर का जो अंडर 18 है उनके लिए, आपको पता होगा कि 17 के पहले आप एडमिशन नहीं ले सकते, यानी अगर आप 17 टू 18 के बीच में आते हैं, यानी मैं आता हूँ उसके बीच में, तो मुझे ये 2 ईयर्स का यानी उन लोगों को कंसेशन मिलता है 2 सेंटीमीटर का, प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर का। अब मैं वेट की बात करूं कि वेट कितनी होनी चाहिए, तो मैं उसके लिए अभी आपके सामने एक लिस्ट डाल दूंगा। रीजंस बीइंग द सेम, मैं सब कुछ पढ़ूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या कह रहा है, इसलिए आप वो लिस्ट पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना वेट होना चाहिए आपके हाइट के लिए। तो आप चाहें तो अभी से काम कर सकते हैं, आपका वेट ओवर वेट है तो, और अंडर वेट है तो भी आप काम कर सकते हैं, तो आपके पास टाइम है अभी, तो जस्ट गो वर्किंग फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आप मेडिकली फिट मतलब वेट के हिसाब से मेडिकली फिट डिक्लेयर हो सकते हो, तो आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो सकते हो, तो आप अभी से काम करना शुरू कर दो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आती हुई है कि आपको दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको जब चेस्ट जो होता है उसके उसका डिफरेंस 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, जब आपने सांस छोड़ा हुआ है और फिर जब आपने सांस लिया, तो जो आपके चेस्ट का एक्सपेंशन होता है इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। यानी जब आपने सांस छोड़ दिया है तो आपको एक जो इंच टेप आता है जैसे कि लोग मेजर करेंगे, आपको उससे यहाँ पे रखेंगे चेस्ट मेजर करेंगे कितनी मेजर आती है, फिर आप सांस लोगे पूरा फुल और उसके बाद आप वापस से मेजर करेंगे कि आपकी कितनी ब्रेथ आती है, मतलब पूरी जो ये चेस्ट है पूरा उसमें कितना आता है मेजरमेंट। तो जब अगर उन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर से कम डिफरेंस है तो आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर जाओगे, और नॉर्मली होता भी है 5 सेंटीमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज एक काफ़ी अच्छे अमाउंट में वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर आता है तो उसका एक्सपेंशन बहुत ऑब्वियस है, तो नॉर्मली हो जाता है, बट स्टिल आप चाहो तो घर पर बैठ के कर सकते हो। इंच टेप मुझे लगता है हर किसी का होता है, नॉर्मली मम्मी लोग रखती हैं तो आप देख लीजिएगा उसको। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि आपके आपको मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स मिलने चाहिए। डेंटल पॉइंट्स क्या होता है, डेंटल पॉइंट्स के लिए अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने एक मतलब एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक साइट डाल दूंगा, आप साइट पे क्लिक करके देखिएगा कि 14 डेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उस 14 डेंटल पॉइंट्स में मैक्सिमम जो होता है 22 होता है। अगर आपके पास 32 टीथ है यानी विजडम टीथ जो आखिरी में लोग कहते हैं जो लास्ट में आता है, अगर वो भी आपके पास है तो आपको मैक्सिमम 22 पॉइंट्स मिलता है, अगर वो नहीं है तो 20 ही होता है। आपको मिनिमम 14 लाना ही पड़ता है वरना आप अनफिट डिक्लेयर हो जाओगे। नॉर्मली 14 बहुत आसानी से आ जाता है, बट देन यू कैन अगेन गो एंड चेक फॉर इट। अगर कुछ ज़्यादा ही हैवी मतलब यू नो पायरिया वगैरह का केस है, या फिर आपको लगे कि यार मतलब केरीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, देन इट मे लीड टू सम इश्यूज, बट नॉर्मली 14 पॉइंट्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप चेक कर लीजिएगा आपको कितने पॉइंट्स हैं और कौन से क्राइटेरिया पर, तो उसको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो चेक करो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको बताऊँ ईयर डिस्चार्ज वगैरह, ठीक है, ईयर डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके के। ईयर ड्रम में परफोरेशन नहीं होने चाहिए, मतलब अगर यार परफोरेशन हो गया तो सुनाई नहीं देगा, नहीं ऐसा नहीं होता, काफ़ी माइन्यूट परफोरेशन भी होते हैं जो कि रहते हैं पर आप सुनाई देता है थोड़ा, पहले तो हियरिंग का एबिलिटी कम हो जाएगा, दूसरा कि उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सुन पाते हो फिर भी, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा मतलब यू नो ईयर डिस्चार्ज होना चाहिए, और ना ही सॉलिड वैक्स अंदर होना चाहिए, मतलब वो जो आपके कान के अंदर डाल के कुछ कैमरे जैसा डाल के देखते हैं कि कान का पूरा ड्रम का कंडीशन कैसा है, उस बीच में वैक्स नहीं आना चाहिए उसके रास्ते में, वरना नॉर्मली मैंने जो सुना है जो लोग एएफएमसी में कुछ मेरे दोस्त भी हैं सीनियर, उन्होंने बताया कि कभी डांट देंगे आपके मतलब मेडिकल ऑफिसर जो चेक करते हैं डांट देंगे आपको कि ये क्या कान है, साथ ही के बाद क्या सकते हैं, तो आप साफ करवा लेना अगर ऐसा है तो, और ये चीज़ें चेक कराना कि आपकी ज़्यादा ये सब तो नहीं, आपको ENT वगैरह भी स्पेशली चेक कर देते हैं। अगर मैं विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करूँ, आई अगेन पुट अप द चार्ट, द सेम रीजन मेडिकल टर्म्स है, आपको समझना पड़ेगा और पर्सनली आप अपने लिए चेक करवा सकते हो, तो इन चीज़ों का देखिएगा, मैंने पूरे चार्ट एक अंदर से डाल रखा है, आप समझ जाएँ कि उसके अंदर ये सही है या नहीं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने इसके अंदर देखा था वो ये था कि आपको पहले तो कलर ब्लाइंड नहीं होना है, बट नॉट ओनली यू इवन योर पेरेंट्स शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड। अगर आपका आपके जो दो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई भी अगर मेडिकल मतलब क्या कहते हैं कलर ब्लाइंड है तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगी, ये इनका रूल है और मुझे नहीं पता क्यों, बट शायद आपको पता होगा कि ये जो कलर ब्लाइंड है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर होने के कारण शायद मुझे लगता है कि ये लोग ये कंसिडर करता है कि आपके पेरेंट्स भी जेनेटिकली ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, बट दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉरी फॉलो करेंगे, ये भी इस चार्ट के अंदर है, बट अगर आपको मैंने ये बता दिया क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा। उसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट में कि हियरिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आप किस तरीके से देखते हो कि हियरिंग सही है या नहीं है, तो एक CV टेस्ट होता है। CV क्या होता है, CV होता है कन्वर्सेशनल वॉइस टेस्ट, CV टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने सुना था जो मुझे सीनियर्स वगैरह थे जिनसे मैंने बात की, उन्होंने बताया था कि इसमें बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, एक मेडिकल ऑफिसर रहेगा जो कि कुछ पीछे खड़ा रहता है आपके, ऑलमोस्ट 6 मीटर्स का डिफरेंस रहता है, 6 मीटर इनिशियली नहीं रहता, इनिशियली पास में रहेंगे आपके और धीरे धीरे दूर जाएंगे, और होता क्या है कि एक मेडिकल ऑफिसर आपके एक मान लिया राइट ईयर आपका चेक करना है, सॉरी लेफ्ट, तो राइट के पास एक ब्लैक मतलब एक बोर्ड जैसा रखेंगे कार्डबोर्ड,
और उसके पास रख के एक पेन से या किसी चीज़ से पॉइंटर ऑप्शन से आवाज करते रहेंगे ताकि आपको इस कान से सुनाई ना दे। और कुछ मीटर दूर खड़े होकर दूसरा मेडिकल ऑफिसर कुछ धीरे धीरे बोलता रहेगा, विस्पर करेगा, और आपको दूसरे वाले कान से नहीं इस वाले कान की मदद से सुनना है। अगर आप सुन पाते हो 50% किस डिस्टेंस तक आप 50% उनकी बातों को क्लियरली रिपीट कर देते हो वहाँ तक आपको वो ले लेंगे। मान लिया अगर मैं 6 meters तक भी उन्होंने जो कहा मैंने 50% या उससे ज़्यादा रिपीट कर दिया, तो कितने डिस्टेंस तक वो जाते हैं मैं 50% फिर भी सही से रिपीट कर देता हूँ, उसको लोग मान लेंगे कि ये डिस्टेंस परफेक्ट है। तो किस डिस्टेंस पे वो लेंगे वो उनकी मर्जी होती है, उन्होंने बताया नहीं कि हम किस डिस्टेंस पे मिनिमम ले लेते हैं। पर लास्ट डिस्टेंस जो उन्होंने लिखा है वो ये कि 6 meters के बाद वो नॉर्मली नहीं जाते पीछे। तो अगर 6 meters तक भी आप 50% ज़्यादा कवर कर लेते हो तो यू आर सिलेक्टेड, जस्ट गो फॉर इट। उसके अलावा मतलब वो ये लास्ट वाला पॉइंट था। उसके अलावा कुछ जो अलग पॉइंट्स है वो सबको मैंने चार्ट के बेसिस में डाल रखा है। ये मैं कैसे बता रहा हूँ तो आपको बता दूँ कि मैंने पहले ही बता रखा है कि मैं मेडिकल ब्रोशर मैंने AFMC का पढ़ा हुआ है, उसके भी मैं लिंक उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। कुछ दिनों के अंदर ही मैं पूरे AFMC की सीरीज को कंप्लीट कर दूंगा। आप देखिएगा अभी ये वीडियो आया, बहुत जल्दी मैं अगला वीडियो ला दूंगा स्पोर्ट्स PT NCC का, Part 3, Part 4, Part 5 जितने भी आते हैं। मैंने कहा था मैं Part 4 तक ही बनाऊंगा पर मुझे लगता है कुछ पार्ट्स भरे हो जाते हैं, इसमें सोचा कि मैं डिफरेंट वीडियोस बना दूंगा। तो आप बस देखिएगा बहुत जल्दी मैं कंप्लीट कर दूंगा AFMC की सीरीज को, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा और बताएगा कि आर यू मेडिकली फिट और नॉट, और किस पॉइंट पर अगर आप हट रहे हैं तो हट रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का, और जय हिंद जय श्री राम।